हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं की फ्रेम्स एनिमेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि यूआई डिज़ाइंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ओके, उसके अंदर हम लोग शेप्स कैसे बनाते हैं ये वगैरह देखा था हम लोगों ने। तो उस दौरान हम लोगों ने इतना पोर्शन इसके अंदर कंप्लीट कर लिया था जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन के, ओके। तो इतना पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो चलो हम लोग जाते हैं फिर से रेक्टेंगल के ऊपर। राउंडेड रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे आके सिंगल क्लिक करता हूँ, ओके। थोड़ा एक कैंसिल कर देते हैं इसे, ऊपर क्लिक किया, फिर यहाँ पे ग्रुप के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, देन रेक्टेंगल लिया मैंने। तो इसकी विड्थ चाहिए मुझे 168, ओके, 38 उसकी हाइट, और रेडियस हम लोग इतनी ही रखते हैं, देन ओके। तो ये शेप आ गया मेरा, तो इसे मैं ठीक तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ। एरो की से चाहे तो आप इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो, ओके। आपको अगर इसका कलर ठीक नहीं लग रहा है तो यहाँ पे फील में थोड़ा सा फेंड कर दीजिए इसे, जैसे आपको चाहिए, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ओके, दैट्स गुड। तो उसके बाद फिर से मैंने राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे वाइट कलर फील कर दिया मैंने, सिंगल क्लिक, विड्थ है 12, हाइट 12, रेडियस 3, ओके। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ओके। इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया मेरा। तो सेम जो हमारा रेक्टेंगल है मैंने उसको सेलेक्ट किया, ये दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक एंड मर्ज, ओके। अगर मर्ज से उसका कलर विजिबल हो रहा है तो उसे मर्ज मत कीजिए, देन नॉर्मल रेक्टेंगल लिया मैंने, थोड़ा जूम करता हूँ, कलर रेडिश रेड कलर लिया मैंने, सिंगल क्लिक, ओके, विड्थ 2, हाइट 2, ओके। ये नहीं चाहिए, से डिलीट, अगेन सिंगल क्लिक, विड्थ 2 लेता और हाइट 8, ओके। तो ये जो वाइट कलर आ रहा है इसके अंदर, फिर से इसको डिलीट किया मैंने, पहले यहाँ पर रेड लेकर रखता हूँ, ओके। यहाँ पे वाइट, सॉरी, रेड लिया मैंने, राउंडेड रेक्टेंगल, सिंगल क्लिक, 2, 8, ओके। तो अगर फिर से यहाँ पे अगर वाइट कलर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे रखता हूँ, ओके, कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लेयर के ऊपर, उसका सिलेक्शन बन जाएगा। पेंट बकेट लिया मैंने, कलर ऑलरेडी फील है, इसके ऊपर क्लिक, ओके, क्लिक किया, ओके, कलर फील हो गया, कंट्रोल डी, तो इसे मूव करते हैं अभी यहाँ पे, ओके। और एक उसकी कॉपी ऑल्ट प्रेस करके उसे बाहर खींचा मैंने, कंट्रोल टी किया इसके ऊपर, और इसे रोटेट कर देते हैं हम लोग 90 डिग्री पे, अप्लाई, और इसे ठीक तरीके से यहाँ पे अटैच कर दिया, ओके। तो आप देख सकते हो ये सब पोजीशन उसका बन गया है। ये तीनों शेप को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक एंड मर्ज, तो ये एक हो गए,
कंट्रोल टी, उसे थोड़ा रोटेट करके देखते हैं हम लोग कैसा लग रहा है। ओके, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो ऐसे ही रखते हैं उसे हम लोग। ओके, सेम जो हमारा रेक्टेंगल बनाया हम लोगों ने उसका कॉपी निकालते हैं हम लोग। ओके, और इसका एक कॉपी। ओके, तो इसका कलर मुझे चेंज करना है, ये रहा यहाँ पे कॉपी उसका। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, कलर चॉइस किया, पेंट बकेट क्लिक, ओके एंड क्लिक, कंट्रोल डी, इसका भी फील थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग। ओके, देन मैं लेता हूँ टेक्स्ट टूल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया नेम एट gmail.com, सेलेक्ट, फॉन्ट चेंज करना है मैं तो फॉन्ट में जाके मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ओके, फॉन्ट का कलर यहाँ पे देता हूँ F2। ओके, परफेक्ट, यहाँ पे ठीक से रखा उसको। देन इसकी कॉपी, वेरी गुड। ओके, तो इतना पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में और एक मैं टेक्स्ट लेता हूँ, ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट, इसका कलर थोड़ा सा डार्क किया मैंने और इसे बोल्ड करता हूँ थोड़ा। ओके, अगर आपको बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो नॉर्मल रखिए। ओके, नॉर्मल अच्छा लग रहा है। कंट्रोल टी, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं इसके हम लोग। अप्लाई। ओके, तो इसी को मैं अभी नीचे और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के। तो इसे एडिट करना है तो टी प्रेस किया मैंने और सिंगल के, सिंगल टी प्रेस करके यहाँ पे क्लिक, उसे कट कर दिया मैंने। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ओके, इसे नीचे लेता हूँ मैं, कंट्रोल टी, इसकी साइज बढ़ा दी ज़रा थोड़ी मैंने। कंट्रोल टी अगेन, आपको जैसा ठीक लगे वैसा एडजस्ट कीजिए इसे। ओके, तो नीचे आता हूँ,
हमारा जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है यहाँ पे, ओके, तो ये यहाँ पे रहा। ऑल प्रेस करके मैं इसे नीचे खींचता हूँ। इसकी कॉपी चाहिए मुझे। ओके, यहाँ पे रखा, कंट्रोल टी। थोड़ी सी इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी कर दी मैंने। अप्लाई। ओके, तो फिर से एक बार टेक्स्ट लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, इसे टेक्स्ट को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, एडिट टी प्रेस करके। ओके, यहाँ पे लिखा हेलो, ऑल सेलेक्ट, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं कलर। ओके, हेलो लिखा, ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं इसे। ओके, तो सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, ऑल्ट, और एक उसकी कॉपी। फिर से टेक्स्ट लिया, इसे एडिट, एम ई डबल एस एच ई मैसेज। ओके, अभी हमारे इस रेक्टेंगल को ऑल्ट, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक तरीके से कॉपी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे शायद से जिसको मैंने कॉपी निकाला, फिर से इसका ऑल्ट प्रेस करके, कंट्रोल डी कंट्रोल टी प्रेस किया। ओके, ये तो दोनों का साइज़ बड़ा हो रहा है, और शायद से इसका कॉपी नहीं निकला है ठीक तरीके से। एक काम कर देते हैं हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं फिर से, वाइट कलर ऑलरेडी फील है, सिंगल क्लिक। तो इसकी विड्थ चाहिए हमें 373, और हाइट फिलहाल 400 लेते हैं, एंड देन सॉरी रेक्टेंगल नहीं, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, 373, 400, एंड रेडियस 3। सके, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। इसका ही कॉपी निकाल देता हूँ मैं, ऑल्ट प्रेस करके फिर से, कंट्रोल टी। इसकी साइज़ ज़रा बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी कर दी मैंने मैसेज। ओके, तो आप देख सकते हो ये हेलो वाले टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया नीचे। और इसे थोड़ा एडिट कर देते हैं हम लोग, कट योर
MASSS, सॉरी MASSAGE सच, या ओके तो गुड, शायद ओके इतना हो गया। ओके तो और एक बार हम लोग राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं नीचे, ओके यहाँ पे 15, वेट 15, ओके गुड ये हो गया। इसे हम लोग यहाँ पे ठीक तरीके से रख देते हैं, कलर जो कि नहीं चाहिए तो मैंने इसको कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया, पेन बकेट क्लिक ओके, कलर चॉइस करके ओके। तो ये कलर थोड़ा ऑड लग रहा है तो थोड़ा डार्क कर देते, कंट्रोल डी ओके। अभी लेता हूँ मैं पेन टूल, पी प्रेस किया मैंने कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ पे लेता हूँ शेप, रेड कलर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और यहाँ पे एक एक शेप क्रिएट किया एस मार्क का ओके। सी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग ओके ठीक है। देन मैसेज वाले टेक्स्ट को मैंने कॉपी करता हूँ नीचे, थोड़ा सा बाहर निकाला, एडिट सेव सेव मैसेज, एम कैपिटल चाहिए, सेव मैसेज ओके। तो ये वाला पार्ट इसको हमें नीचे लाना है, तो फिर से इसे कॉपी किया मैंने नीचे, यहाँ पे एक काम करते हैं इसको लाते हैं, कंट्रोल टी इसकी साइज छोटी कर देते हैं हम लोग ओके। एंड कलर कलर के कंट्रोल प्रेस क्लिक, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर चाहिए, पेन बकेट क्लिक, ज़रा थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम लोग इसको, कंट्रोल डी अगेन, इसी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, टी डिलीट सबमिट, इसका कलर करते हैं वाइट और इसे हम लोग बीच में रख देते हैं ओके। तो आप देख सकते हो आपका एक नॉर्मल डिज़ाइंस यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।